So now we are going to start our क्लास. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. अभी तक हमने दो लेक्चर किए हैं कवर बेसिकली डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कोर्स के. फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द कोड. फिर सेकेंड लेक्चर में हमने WSM LSM के कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है. उसके बाद जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हाँ, ये सब देख के लोड फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह का थोड़ा बहुत स्टडी किया. नाउ वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कनेक्शन. कनेक्शन में हमें पढ़ना है बेसिकली बोल्ट डिज़ाइन एंड वेल्ड डिज़ाइन. कनेक्शन का मतलब होता है कि हमें दो या दो से ज़्यादा मेंबर को जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वहां पर कनेक्शन प्रोवाइड करना है. पहले रिवेट, रिवेटिंग यूज होता था. रिवेट इज अ परमानेंट फिक्सेशन, ओके. बट अभी जो है ऐसा हुआ है कि मतलब ये सरफेस है आपकी और इसको आपने ये दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखी है, तो यहाँ पे रिवेटिंग करते थे इस तरह से. ये रिवेटिंग के लिए पहले होल करते थे, फिर इसको उस तरह से हैमरिंग करके फिक्स कर देते थे. तो एक बार ये फिक्स हो जाता है तो फिर इसकी जो है मेंटेनेंस वगैरह इज़ नॉट दैट मच इजी, और हैमरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी आती हैं. तो ये होता है. तो बेसिकली थोड़ा बहुत देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस आर अवेलेबल इन टू दी मार्केट, ओके. सो ये ज्वाइन करने के लिए बेसिकली होता है, दो मेंबर को ज्वाइन करने के लिए जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिस प्लेट के ऊपर वो एकोमोडेट करते हैं मेंबर. मान लीजिए ये एक मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, और ये लेट सपोज थर्ड मेंबर है. तो ये जो दो तीन मेंबर हैं जिसके ऊपर एकोमोडेट करते हैं, उसको बोलते हैं बेसिकली गसट प्लेट. मीन्स दिस प्लेट इज कॉल्ड गसट प्लेट, ओके. सो वी कनेक्ट दिस बीम टू बीम, कॉलम टू ब्रैकेट वगैरह वगैरह, ठीक है. रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कनेक्शन, इट शुड बी रिजिड इनफ टू रजिस्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस लाइक फटीग. इट कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड, इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन. तो वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस, फटीग है ना, साइक्लिक लोडिंग, रिपीटेड लोडिंग जो अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है, विंड लोड की वजह से आ सकती है, उन सबको रजिस्ट करने के लिए विदस्टैंड करे हमारा कनेक्शन, और वो इजीली इंस्टॉल हम उसे कर सकें. इंस्पेक्शन इजी हो, मेंटेनेंस इजी हो, वो सब पॉइंट भी दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. तो फर्स्ट कनेक्शन जो हमारा आता है दैट इज रिविट कनेक्शन बेसिकली. तो रिविट का क्या है, इट इज द इंसर्टेड टू द रिविट आर इंसर्टेड टू प्लेट ज्वाइन डिफरेंट प्लेट्स बाई एडिंग हीट, बाई एडिंग हीट और प्रेशर. यहाँ पे लिख सकते हैं आप हीट और प्रेशर, दो मटेरियल को, दो प्लेट्स को, दो सर्फेसिस को ज्वाइन करने के लिए होता है, ठीक है. तो ये इस तरह से कुछ रिविट दिखता है. ये इसका हेड है और इसका शैंक है, जो इस तरह जो पोर्शन अंदर जाता है प्लेट में इंसर्ट होता है दैट इज शैंक, और टॉप में जो हमें शो होता है बाहर से दैट इज रिविट, ठीक है. एडवांटेजेस कुछ इसके हैं, परमानेंट इन नेचर विच मे बी अ डिसएडवांटेज, चीपर फैब्रिकेशन कॉस्ट, ठीक है. चीपर फैब्रिकेशन कॉस्ट, चीपर जहाँ वर्ड आ गया तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है. डिसफेयर मटेरियल कैन बी यूज, ओके. डिसएडवांटेजेस हैं इसके, प्री हीटिंग इज रिक्वायर्ड प्रायर टू ड्राइविंग, क्योंकि आपको होल वगैरह करना है और उसको इंसर्ट करना है, तो बिल्कुल फिक्स करने के लिए आपको थोड़ा बहुत उसको मेटल को हीट करना पड़ेगा ताकि वो डिफॉर्म होकर अंदर इंसर्ट प्रॉपर हो सके. हाई लेवल नॉइज, बिकॉज आपको जब हैमरिंग करनी है, फिक्सेशन करना है, तो नॉइज भी आएगी वहां पे. स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग द परफेक्ट कनेक्शन. तो कनेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, मीन्स वहां पर गैप नहीं होना चाहिए. तो अगर गैप होगा तो फिर स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगी. तो स्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है. सो उसको प्रॉपरली आपका जो है उसको फैब्रिकेशन अच्छा हो, कनेक्शन अच्छा हो, ठीक है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं बोल्ट कनेक्शन. तो बोल्ट अपना हमें जो कवर करना है, बोल्ट जिस तरह का दिखता है, इसमें भी इस तरह का हेड होता है, और ये कुछ इसमें थ्रेडेड पार्ट होता है, ये आप देख पा रहे होंगे थ्रेड पार्ट होता है ये, और ये कुछ में प्लेन पार्ट होता है हल्का सा. थ्रेड पार्ट बेसिकली ज्यादा लेंथ तक कवर होता है और प्लेन पार्ट भी थोड़ा सा होता है, और ये इस तरह से हेड होता है. जो बेसिकली लॉन्ग बोल्ट होते हैं उसमें नॉर्मली थ्रेड पार्ट भी पाया जाता है और ग्रिप, और ये प्लेन शैंक्ड पार्ट भी पाया जाता है. अगर कोई छोटा सा बोल्ट है, मान लीजिए इतना सा बोल्ट है, तो उसमें नॉर्मली थ्रेड पार्ट ही होगा, ठीक है.
शैंक प्लेन पार्ट थोड़ा कम होगा। एडवांटेजेस, लेस मैन पावर, फिक्सेशन चाहिए, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन दी रिवेट, ऑपरेशन इज लेस टाइम टेकिंग। तो इसे इंसर्शन का जो प्रोसेस है, पूरा ऑपरेशन है, वो उतना टाइम टेकिंग नहीं जितना रिवेट का होता था। रिवेट का नॉइजी भी होता था, है ना, तो इट कैन बी से दैट लाइक इट इज लेस नॉइजी, नो हीटिंग, नो फायर, नो रिस्क वगैरह वगैरह। इट कैन बी रिप्लेस, सबसे बड़ी बात, इट कैन बी रिप्लेसेबल, तो मेंटेनेंस थोड़ी सी इसकी इजी होती है। अगर हम टाइप्स की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट, तो क्लासिफिकेशन में आते हैं एक ब्लैक बोल्ट, ब्लैक बोल्ट का दूसरा नाम ऑर्डिनरी बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट, ठीक है। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे अलग से सेपरेटली, दैट इज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG बोल्ट, ठीक है। कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी, वो वन बाय वन हम देख लेते हैं, बिकॉज उनका यूज और उनके बिना सब्जेक्ट, ये यूनिट, ये चैप्टर पढ़ना ही मुश्किल है। तो हमने ये इस तरह से लिया है कि एक प्लेट ये है आपकी, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट ऊपर है, सेकंड प्लेट नीचे है, और ये जो आपको राउंड राउंड होल दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, दिस इज अवर बोल्ट्स, ये क्या है, हमारी बोल्ट लगे हुए हैं। तो लेट अस से 1 2 3 4 5 6, इट इज टोटल 9 बोल्ट। लोड आपको दिखा रखा है यहाँ पर, लोड एप्लीकेशन इज समथिंग लाइक दैट, इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज लेटरल, ठीक है, लेटरल पुल टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लोड जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट की डिस्टेंस कहलाती है पिच। फर्स्ट पॉइंट इज द पिच, पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट बोल्ट और रिवेट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स डायरेक्शन यही है, लेटरल डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन में इस बोल्ट से इस बोल्ट के सेंटर टू सेंटर ऑलवेज। अब एंड टू एंड लें या कैसे कैसे, तो अब सेंटर टू सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस जो है, दिस इज कॉल्ड पिच, दिस इज कॉल्ड पिच। सिमिलरली गेज, गेज इसका ठीक परपेंडिकुलर, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये बोल्ट, लेट अस सपोज दिस बोल्ट एंड दिस बोल्ट, ओके, इन दो बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, दैट इज योर गेज डिस्टेंस, स्मॉल जी, गेज डिस्टेंस, ओके। यू कैन से हियर, यू कैन सीन हियर द परपेंडिकुलर फोर्स, सॉरी परपेंडिकुलर टू द फोर्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो शॉर्ट में लिखा है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी किसकी, बोल्ट्स की, बोल्ट्स के बीच की, दैट इज योर गेज डिस्टेंस। वन इज एंड डिस्टेंस, तो एंड डिस्टेंस भी ये पिच का ही भाई हो गया, मतलब पैरेलल टू द फोर्स इज पिच, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और पैरेलल टू द फोर्स लास्ट बोल्ट से लेकर के एज ऑफ द प्लेट तक की डिस्टेंस इज एज डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं आप, मतलब जिससे पूरी मानिए ये लास्ट बोल्ट हो गया, है ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, एज ऑफ द प्लेट की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एंड डिस्टेंस। सिमिलरली चौथी आती है एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, लेट अस सपोज दिस इज द लास्ट बोल्ट, योर लास्ट बोल्ट, इस बोल्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओके, अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो लास्ट बोल्ट से टू द एज ऑफ द प्लेट की डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड योर एज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चार टर्म जिनका बहुत ज़्यादा यू नो क्रूशियल टर्म्स हैं, बार बार होगा यूज, कुछ कोडल प्रोविजन है, कुछ क्राइटेरिया है दैट वी हैव टू फॉलो एनी हाउ। तो मिनिमम पिच आईएस कोड का ये क्लॉज है 10.2.2, आईएस कोड हमने बताया था IS 800 2007, बट वी आर यूजिंग इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ओके, बाई LSM। तो मिनिमम पिच कहा गया है 2.5 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, पर प्रिवेंट बियरिंग फेलियर ऑफ दी बोल्ट। ये मैं बताऊंगा अभी, बियरिंग फेलियर, शेयरिंग फेलियर क्या होते हैं। तो मिनिमम पिच जो कहा गया है कि कम से कम पिच आप 2.5D रखिए कनेक्शन में। तो डी क्या है यहाँ पे, द डी इज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ, डी इज डाया ऑफ बोल्ट, ओके, डी इज द डाया ऑफ बोल्ट।
मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच जो है वो दो तीन तरीके से डिफाइन करी है हमने, मतलब कोड ने, कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम पिच क्यों डिफाइन करते हैं? टू रिड्यूस दी अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ गसेट प्लेट। ओके, दिस इज 16 T और 200 mm फॉर टेंशन, 12 T और 200 mm फॉर कंप्रेशन। इन दोनों में से जो कम होगी वो आपको मैक्सिमम पिच लेनी है। तो 16 T और 200 mm टेंशन के केस में, और कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो 12 T और 200 mm। टी यहाँ पे ऑब्वियसली थिकनेस ऑफ प्लेट होगी। ओके, नाउ द पॉइंट इज गसेट प्लेट का मटेरियल, क्योंकि ज्यादा आपने पिच प्रोवाइड कर दी, माना को 3 बोल्ट लगाना है, अब आपने बहुत ज्यादा पिच प्रोवाइड कर दी, तो जिस प्लेट के ऊपर रखी हुई है, जो जो बेस प्लेट है हमारी, जिसको हम गसेट प्लेट बोल रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी तो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो एक्स्ट्रा मटेरियल भी अनइकोनॉमिकल ना हो, तो एक मिनिमम डिफाइन कर दिया, एक मैक्सिमम डिफाइन कर दिया, इसके बीच में आप लीजिए, ये कहने का मतलब हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ जॉइंट, दो मेन पॉपुलर होते हैं और भी होते हैं, पर दो पॉपुलर हो गए, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो लैप मतलब ओवरलैप करना, ठीक है। वी कैन सी हियर प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 के ऊपर प्लेट नंबर 2 ऐसे रखी हुई है हमने, तो दिस इज कॉल्ड लैप जॉइंट, सिंपल लैपिंग हो रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हम इनको जोड़ने के लिए इस तरह से अपना बोल्ट लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड इज बट जॉइंट, मीन्स बट जॉइंट मीन्स वी आर ज्वाइनिंग टू प्लेट्स एट द सेम लेवल। इसमें लेवल इज डिफरेंट, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है। बट जॉइंट में एक प्लेट दो प्लेट ऐसे अटैच कर रहे हैं, अब खुद ही सोचिए ऐसे तो नहीं जुड़ पाएंगी ना, ऐसे अटैच तो नहीं हो पाएंगी, सो वी हैव टू यूज वन मोर प्लेट हियर द टॉप ऑफ दिस टू टू प्लेट्स, एंड वी हैव प्रोवाइड बोल्ट लाइक दिस, एंड वी हैव टू प्रोवाइड बोल्ट लाइक दिस। एक बोल्ट इस प्लेट से यहाँ इसको जोड़ेगा, एक बोल्ट इस प्लेट से इसको यहाँ से जोड़ेगा, तो एक ऊपर प्लेट, कवर प्लेट, दिस इज कॉल्ड कवर प्लेट, वी आर कवरिंग ना, तो ऊपर वाली जो प्लेट हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी उसको बोलते हैं कवर प्लेट। तो कवर प्लेट हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है बट जॉइंट में, यहाँ पर ऐसे ही काम चल जाता है दो प्लेट से लैप में। ओके, चेन बोल्टिंग, टाइप ऑफ बोल्टिंग, किस तरह से आपने बोल्ट को अरेंज किया है, द अरेंजमेंट, हाउ वी आर अरेंजिंग। तो सिंपल है, अगर लाइक अ मैट्रिक्स फॉर्म, सिंपल 1 2 3 और इधर से 3 बाई 3 है ना, तो इट इज 9 बोल्ट्स। तो नॉर्मल ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल बनाया, तो दिस इज कॉल्ड चेन बोल्टिंग, ठीक है। कोई पैटर्न, एक डायमंड पैटर्न, इट मे लुक लाइक अ डायमंड लाइक दिस, है ना, रॉम्बस, तो इस तरह से आपने प्रोवाइड किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड डायमंड बोल्टिंग। और रैंडम है, वेरी रैंडम, जिगजैग बोल लो इसको, स्टैगर्ड बोल लो इसको, रैंडम बोल लो, तो कहीं भी, कहीं पे पिच अलग है, अगली पिच और अलग है, कहीं पे गेज कुछ और है, कहीं पे गेज कुछ और है, अनइक्वल है, मतलब कहीं भी कैसे भी लगा दिए, इसको बोलते हैं जिगजैग। तो 3 तरह की ये आपके पैटर्न हो गए जो हम यूज़ करेंगे अपने डिज़ाइन में। ओके, और कुछ नॉमेनक्लेचर इनके, सिंगल, लेट अस सी, सिंगल बोल्टेड लैप ज्वाइंट, तो मतलब इसका मतलब हो गया कि लैप ज्वाइंट तो ठीक है, सिंगल बोल्टेड मतलब इसमें एक बोल्ट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही बोल्ट लगा हुआ है, ये दिस इज दी एलिवेशन, आप इसको सामने से देख रहे हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट ऐसे रखी है, एक प्लेट इसके ऊपर ऐसे रखी है, ठीक है, और एक बोल्ट ऐसे है, दो बोल्ट ऐसे और 3 बोल्ट, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सॉरी, सामने से तो आपको जो है, तो सामने से तो आपको 3 ही दिखेंगे, मतलब सॉरी, सामने से आपको एक ही दिखेगा एलिवेशन, बट इन प्लान यू कैन सी ऑल 2 और 3 बोल्ट, मतलब 2 बोल्ट इसके पीछे वाले भी आप देख सकते हो ऑन प्लान। ओके, तो इट मे बी मोर देन वन, ओके, मोर देन वन, तो ये हो गया सिंगल बोल्टेड। पर हमें एक रो को काउंट करते हैं, एक रो एक ही है, 3 बोल्ट है, तो सामने से हमें एक दिख रहा है तो सिंगल बोल्टेड। अब 3 रो हो गई, मतलब ऐसे 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 3 रो के सामने से हमें 3 बोल्ट नजर आ रहे हैं, पीछे इसके लाइन होगी पूरी, तो इट मे बी 6, इट मे बी 9, मल्टीपल ऑफ 3, इसको बोलते हैं ट्रिपल बोल्टेड लैप ज्वाइंट। फिर सिमिलरली बट में भी कह देंगे सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट, मतलब एक ही बोल्ट यूज किया हुआ है
एक प्लेट के लिए, यहाँ पे आप दो ना बोलें इसको भी, एक प्लेट ये है और एक प्लेट अलग ये है, तो इसको सिंगल वोल्टेड बोलेंगे। एक कवर प्लेट यूज करें तो सिंगल वोल्टेड, सिंगल कवर। कभी कभी नीचे भी कवर प्लेट यूज कर देते हैं लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं कि मान लो एक ही इस तरह से लाइन है तो बोलेंगे सिंगल कवर बट डबल, सॉरी सिंगल वोल्टेड बट डबल कवर बट जॉइंट। जैसे नीचे देखिए आप क्या लिखा है, डबल कवर बट जॉइंट। तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, और दो इसमें आपकी कवर प्लेट हुई, एक टॉप में एक बॉटम में, इसको बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट। गॉट इट? इजी है ये, कुछ इस तरह सिंगल शेयर डबल शेयर, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब दो प्लेट हैं, प्लेट नंबर वन प्लेट नंबर टू, इसमें आपने पी फोर्स ऐसे लगाया टेंसाइल फोर्स, तो बोल्ट में आपके शेयरिंग आएगी ना, शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है बोल्ट के लिए, तो ये प्लेट इधर भाग रही है, प्लेट इधर भाग रही है, तो आधा बोल्ट ये प्लेट इस आधे अपर पोर्शन ऑफ बोल्ट को इधर ले जाने की कोशिश करेगी और नीचे वाले को ये वाली प्लेट इधर ले जाने की कोशिश करेगी, है ना। तो दो प्लेट में तो एक ही कांटेक्ट सरफेस हुई ये वाली, तो दो प्लेट की एक कांटेक्ट सरफेस हुई, मतलब ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दिस इज द कांटेक्ट सरफेस। तो शेयर कितना होगा इसमें, वन, इसलिए इसको बोल दिया सिंगल शेयर। नाउ एक प्लेट ये, सेकंड प्लेट ये, थर्ड प्लेट ये, तो तीन प्लेट एक के ऊपर एक हम रखी हुई है, बोल्टिंग कर दी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इट मीन्स इसमें टोटल तीन प्लेट है, तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, है ना। मतलब एन माइनस वन, अगर आप ऐसे याद करना चाहें फॉर्मूला, जितनी प्लेट हैं उसमें से एक आप माइनस कर दें तो उतनी कॉन्टेक्ट सरफेसेस होंगी, जनरेट होंगी, तो हम बोलेंगे डबल शेयर। तीन प्लेट है तो, चार प्लेट है तो ट्रिपल शेयर, लाइक दैट। ओके, तो नाउ कमिंग टू दी डाया बोल्ट, हमने बोला था डाया बोल्ट को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, राइट, डी इज दी डाया बोल्ट। अब बोल्ट को किसी होल में आप इंसर्ट करते हो, ठीक है ना, तो डाया ऑफ होल इज लिटिल हायर, लिटिल लार्जर, लिटिल हायर देन दी डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो डी नॉट से डिनोट कर देते हैं डायमीटर ऑफ होल। तो कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, डी नॉट इक्वस टू डी स्मॉल डी प्लस क्लियरेंस स्मॉल डी, होल का डाया किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस। कुछ आप एक्स्ट्रा क्लियरेंस भी तो छोड़ोगे, 1-2-3 mm का, जिससे वो बोल्ट अंदर जा पाए एग्जैक्टली, है ना। 1-2-3 mm बहुत सुनने में लग रहा होगा, बट ज्यादा नहीं होता, 1-2-3 mm की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आईएस कोड ने कहा है कि अगर आपकी थिकनेस ऑफ प्लेट 12-14 है, ओके, सॉरी, अगर आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट 12-14 mm है तो आपका क्लियरेंस स्टैंडर्ड जो होगा वो 1 mm होगा। अगर आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट 16-24 mm है तो आपका क्लियरेंस कितना होगा, 2 mm होगा। अगर आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट 24 से ऊपर है तो आपका 3 mm होगा। ओके, तो मतलब 18 mm की, अगर हमारा 18 mm का डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो हम उसमें दो ऐड करेंगे, तो डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, 18 + 2 विल बी इक्वल टू 20 mm, होल का डायमीटर विल बी 20। नाउ कमिंग टू द अनदर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, दैट इज फेलियर इन बोल्ट और फेलियर इन प्लेट। बेसिकली टॉपिक का नाम हो गया फेलियर इन कनेक्शन, यू कैन से फेलियर इन कनेक्शन। तो कनेक्शन में हमारा प्लेट भी आ गया और हमारा बोल्ट भी आ गया, तो शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो प्लेट आपने ऐसे ली, मैंने बताया था वैसे अभी, है ना, और आप इसमें एक प्लेट इधर जा रही है और प्लेट इधर जा रही है, तो ये बोल्ट आपने इस तरह से लगाया हुआ है वर्टिकली, तो ये प्लेट इस बोल्ट को, अपर पोर्शन ऑफ बोल्ट को इधर ले जाएगी, नीचे ले जाएगी, तो बोल्ट में क्या हो जाएगी, शेयरिंग आ जाएगी, ना, आधा बोल्ट ऐसे भागेगा, आधा बोल्ट नीचे को ऐसे जाएगा, राइट वार्ड एक लेफ्ट वार्ड जाएगा, इट विल इट ज्यादा फोर्स आपने लगाया तो यहाँ से क्रैक कर जाएगा, टूट जाए, सॉरी। ओके, सो नाउ बियरिंग ऑफ बोल्ट, तो बियरिंग का मतलब हो गया कि वो टूटा नहीं है बट उसके कहीं बीच में है, ठीक है, मतलब आप टेंसाइल फोर्स ही अप्लाई कर रहे हो और हमारा ये बोल्ट है, ठीक है, तो बोल्ट जो है इस तरह से बैंड हो गया क्योंकि उसके कांटेक्ट में क्या है, प्लेट है। तो बियरिंग में क्या होता है, कांटेक्ट में दो सर्फेसेस के कांटेक्ट में बियरिंग फोर्स लगता है, तो इस तरह से प्लेट फोर्स लगा रही है,
किस पे, बोल्ट पे, तो बोल्ट सीधा ना होके थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, बेंड हो गया लाइक दिस, ठीक है, बियरिंग हो गया, टेंसाइल फेलियर और टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट देख लो पहले, तो प्लेट में तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे बोल्ट रखा, इस केस में आपको बोल्ट मजबूत है, बोल्ट क्या है स्ट्रांग है, तो प्लेट आपकी स्ट्रांग नहीं है, बट आप फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा कि ये यहाँ से इस तरह से प्लेट टियर हो जाएगी ज़्यादा फोर्स लगाने से, ऐसे में टियर लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्लेट वीक होगी तो इस तरह से ये यहाँ से टियर ऑफ हो जाएगी, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ये अगर यहाँ से आपने एंड डिस्टेंस कम प्रोवाइड करी है तो यहाँ से भी इस तरह से क्रैक हो सकती है, तो आधी प्लेट इधर 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 चली जाएगी, आधी प्लेट इस तरह चली जाएगी। एक बचा था टेंशन इन बोल्ट, टेंशन ऑफ प्लेट तो हमने देख लिया, टेंशन इन बोल्ट का देख रहे थे हम लोग। तो मान लीजिए ये एक पाइप है और ये एक पाइप है, इसके बीच में आपने कोई प्लेट लगाई जिससे इन दोनों को हम जोड़ रहे हो, तो आप ऐसे में जो बोल्ट प्रोवाइड करोगे हॉरिजॉन्टली, कैसे हॉरिजॉन्टली बोल्ट प्रोवाइड करोगे ना, ऐसे में लाइक दिस लेटरली हॉरिजॉन्टली, तो अब आपने कोई ऐसा फोर्स लगाया किसी कारण से कि ये इसमें टेंशन टेंशन पुल लग रहा है, ठीक है, इलॉन्गेशन मतलब आप टेंशन टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो कि ये पाइप वन का पोर्शन इधर जा रहा है लेफ्टवर्ड और ये पाइप टू का पोर्शन दिस साइड जा रहा है, इन दैट केस जो आपके बोल्ट होंगे उनमें क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो ये बोल्ट विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स और मे सब्जेक्टेड टू टेंशन फेलियर। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। एक और स्पेशल काइंड ऑफ फेलियर है जो बेसिकली प्लेट का ही फेलियर है, ब्लॉक शेयर फेलियर। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ पैटर्न से, आपने लेट अस सपोज आपके चार बोल्ट हैं और आपने ये एक, जो मैंने बताया था आपको कि प्लेट है आपकी, ये वाली प्लेट हो गई, मेंबर है बेसिकली, मेंबर मेंबर की प्लेट है और जिसके ऊपर ये रखी हुई है ये वाला, दिस यू कैन सी, ये हो गई आपकी क्या गसेट प्लेट, मैंने बताया था गसेट, GUSSET, गसेट प्लेट। इसमें आपने ज्वाइन कर दिया इसको चार बोल्ट से लेट अस सपोज, और यहाँ से आप इसे पुल कर रहे हो पी फोर्स से खींच रहे हो, तो क्या होगा आपके बोल्ट लेट अस सपोज स्ट्रांग है, प्लेट स्ट्रांग नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा कि ये प्लेट इस तरह से टूट के बाहर आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि इतना पोर्शन प्लेट का रह जाएगा और ये बाकी पोर्शन प्लेट का इस तरह से निकल के बाहर आ जाएगा, तो अलग अलग तरीके से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, ठीक है, यहां से इस तरह से आ सकता है या इस तरह से आ सकता है, तो ये प्लेट मतलब का मैंने कहने का मतलब इस तरह से बाहर आ सकती है, इस तरह से बाहर जा सकती है और बीच से निकल सकती है, तो ये ब्लॉक में जो फेलियर है वो एक ब्लॉक की फॉर्म में हुआ है, तो इसको बोल रहे हैं हम ब्लॉक शेयर फेलियर। ओके, नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट, डिजाइन ऑफ बोल्ट। डिजाइन ऑफ बोल्ट का मतलब होता है कि हमें कितने बोल्ट प्रोवाइड करने हैं, उनकी डायमीटर क्या होगा वगैरह वगैरह। तो बोल्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें क्वेश्चन में लोड गिवन होगा पी, उस लोड के अगेंस्ट हम अपनी, अगर बोल्ट की स्ट्रेंथ हमें एक बोल्ट की स्ट्रेंथ पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने लगेंगे, सिंपल मतलब एक फॉर्मूला सा बन गया है कि नंबर ऑफ बोल्ट, अगर मैं बोलूँ स्मॉल एन है तो स्मॉल एन विल बी इक्वल टू टोटल लोड पी डिवाइडेड बाय व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, और स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट को हम एक टेक्निकल नाम दे देते हैं बेसिकली रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू। अब रिवेट वैल्यू बड़ा पॉपुलर सा है तो कई बुकों में आपको आज भी रिवेट वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि पहले रिवेट यूज होता था, बट अब रिवेट ऑब्सोलीट हो गया तो आप उसको बोल्ट वैल्यू भी कई बुकों में पढ़ लेंगे, है ना। तो बोल्ट वैल्यू इसको बी या वी सफिक्स में या कई पुराने बुकों में आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो एक बोल्ट की स्ट्रेंथ और ये टोटल लोड पी, इसे डिवाइड कर दोगे क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ बोल्ट, तो बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो लोड आपको गिवन हुआ तो बेसिकली कैलकुलेट क्या करना हुआ आपको, एक बोल्ट की स्ट्रेंथ या बोल्ट वैल्यू। तो बोल्ट टेंशन में बहुत कम चांस होते हैं फेल होने के, तो टेंशन में इसको नॉर्मली हम क्रिटिकल कंडीशन में ही चेक करते हैं, नॉर्मली नॉर्मल जॉइंट्स में जैसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो इसमें कोई टेंसाइल फोर्स नहीं आ रहा है बोल्ट में, है ना, टेंशन तो ऐसे लंबाई में आएगा ना, वर्टिकली आएगा, इसमें बेसिकली शियर और बियर
शेयरिंग आ रही है और बियरिंग आ रही है। तो नॉर्मल केस में हम जो है शेयरिंग में चेक करेंगे और बियरिंग में चेक करेंगे। ओके, तो शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, वी एन एस बी इक्वल्स टू एफ यू बी बाय रूट थ्री एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी इंटू बीटा एल जे बीटा एल जी और बीटा पी के जी। ओके, क्या मतलब हुआ? ये है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट। एफ यू बी का मतलब हुआ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय रूट थ्री। ओके, एन एन होता है आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन और एन एस बी होता है आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन। ये होता है आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन थ्रेड पोर्शन में और ये होता है आपका नंबर ऑफ शेयर प्लेन आपका शैंक्ड पोर्शन में, प्लेन पोर्शन में। अब ये एन एन के साथ क्या है, ए एन बी है, तो ये आपका एरिया होगा किसका, थ्रेड पोर्शन का। और ये ए एस बी किसके साथ है, एन एस के साथ है, तो ये एरिया आपका कौन सा हो गया, शैंक्ड पोर्शन का। मतलब मैंने बोल्ट आपको इस तरह से बताया था ना कि एक थ्रेड होते हैं कुछ, ये प्लेन पोर्शन भी होता है, फिर ये इसका हेड होता है, टॉप होता है। तो जितने शेयर पिन काटेंगे किसमें, थ्रेड पोर्शन में, उतने तो हो गए आपके एन एन, जितने शेयर पिन काटेंगे आपके शैंक पोर्शन में उतने हो गए आपके एन एस। ये बेसिकली फिगर गिवन हो तो आप बता सकते हैं, डिजाइन करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एन एस में एक है या एन एन में एक है, या एन एस को जीरो ही मान लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो आगे आपको बताएंगे, एन एन को मान लेते हैं वन या टू वट एवर। ओके, जितने शेयर पिन बन रहे होंगे तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, एन एन के साथ है तो ए एन बी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ए एस बी शैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आप बोलोगे ये तो सेम ही हुआ ऑलमोस्ट, है ना, तो ये बस क्या होता है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई बाय फोर डी स्क्वायर ले लेते हैं शैंक का, और ये थ्रेड है बेसिकली, तो इस तरह से ये इस तरह से थ्रेडिंग हो रखी है इसकी ना, तो ये थोड़ा सा कम इसको हम लेते हैं, तो कितना कम लेते हैं इसको, 78% लेते हैं, तो इट इज 0.78 इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर, आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप देख पाएंगे एन एन क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर पिन विद द थ्रेड इंटरसेप्टिंग द प्लेन। ठीक है, बता दिया मैंने, नंबर ऑफ शेयर पिन विद द थ्रेड इंटरसेप्टिंग द प्लेन, एन एस विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द प्लेन, मतलब प्लेन पोर्शन में। ओके, ए एन एस देखो यहाँ पे शैंक का एरिया पाई बाय फोर डी स्क्वायर, ए एन बी बोल्ट का ही एरिया है लेकिन थ्रेड पोर्शन का, तो 0.78 इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर। अब उसके बाहर जो देखो, ये तो हो गया इतना, क्योंकि भाई फोर्स है ना, ये शेयर फोर्स, ये स्ट्रेस इनटू एरिया बन गया फोर्स। अभी कुछ तीन छोटे छोटे फैक्टर हैं, तो ये फैक्टर के स्पेशल केस में ही अप्लाई होते हैं, कभी कभी इनको सबको वन ले लिया जाता है, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो जान लेते हैं क्या क्या होते हैं, है ना, इनके फॉर्मूलेज कैसे निकालने, इसे रटने की जरूरत नहीं है आपको, आइस कोड में गिवन है। बीटा एल जे होता है रिडक्शन, इसको बोलते हैं लॉन्ग जॉइंट फैक्टर, ठीक है ना, तो रिडक्शन फैक्टर अलाउड टू ओवरलोडिंग एंड बोल्ट्स अकर इन द लॉन्ग कनेक्शन, जब कनेक्शन लॉन्ग होता है तब इस फैक्टर का यूज होता है। तो पता कैसे चलेगा कि कनेक्शन लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपको निकालना पड़ता है, पहले दिखाना पड़ता है कि लॉन्ग है, अगर लॉन्ग है देन आप उसका यूज करते हो। सेकेंड होता है आपका बीटा एल जी ग्रिप लेंथ का फैक्टर, ठीक है, ये अभी ग्रिप लेंथ होती है प्लेट, टोटल प्लेट की थिकनेस, मैं बताता हूँ अभी क्या होती है। और तीसरा होता है आपका बीटा पी के जी फैक्टर फॉर दी पैकिंग प्लेट। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं, तो फॉर्मूला इस तरह से आपने समझ लिया ये बेसिकली कि वी एन बी नेट शेयर फोर्स आपका इस तरह से आ गया। ओके, अब टोटल शेयर फोर्स आपका जो आता है, डिजाइन शेयर फोर्स, सॉरी डिजाइन शेयर फोर्स विल बी VDSB से डिनोट करते हैं, VDSB इज इक्वल टू नेट शेयर फोर्स डिवाइड बाय दी गामा एम बी। ये हो गया आपका डिजाइन, मैंने कहा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से जब डिजाइन किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तब वो डिजाइन वर्ड बनता है, तो गामा एम बी हमने पढ़ा था वहां पे 1.25 होता है, बोल्ट के लिए भी और वेल्डिंग के लिए भी 1.25 ही लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो भी स्ट्रेंथ है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे 1.25 से, तो हमारा वीडीएस भी आ जाएगा, मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। ओके, अब वो फैक्टर पढ़ लेते हैं, पहला फैक्टर है बीटा एल जे लॉन्ग जॉइंट फैक्टर, तो लॉन्ग जॉइंट मैंने कैसे बताया था कि इफ एल जे लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन 15 डी, अगर आपका लॉन्ग जॉइंट मतलब जैसे आपने इस तरह से आपकी प्लेट लगी हुई है,
आपने ऐसे कई सारे बोल्ट प्रोवाइड करे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कितने बोल्ट प्रोवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बोल्ट हो गए है ना। तो ये आपने लेंथ आपने ये आपको मिली हुई है, आपने कैलकुलेट करी, तो ये जो लेंथ ऑफ जॉइंट है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15D। अगर 15D से छोटा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटा एल जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फैक्टर की वैल्यू खत्म। अगर ये ऐसा है कि बीटा एल जे इज ग्रेटर देन 15 टाइम्स ऑफ डी, काफी लंबा ज्वाइंट है, इन दैट केस आपको बीटा एल जे कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल फॉर्मूले में। तो क्या था, ये होता है 1.075 माइनस एल जे डिवाइड बाई 200 डी, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये फॉर्मूला कोड में गिवन है। तो बीटा एल जे आप निकालोगे, और एक कंडीशन है कि बीटा एल जे शुड बी लाई बिटवीन 0.75 एंड 1, जी बीटा एल जे आपका 0.75 और 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। कम आएगा तो 0.75 लोगे, 1 से क्रॉस कर रहा होगा तो 1 ही लोगे, और बीच में आ रहा होगा तो वही वैल्यू एग्जैक्टली लोगे, ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट फैक्टर इज बीटा एल जी, ग्रिप लेंथ फैक्टर। ग्रिप लेंथ में बताता हूँ क्या होता है, जैसे मान ली एक प्लेट आपने ऐसे रखी, ओके, इसके नीचे एक प्लेट और आपने ऐसे रखी, तीसरी प्लेट भी ज़ूम कर लीजिए, ऐसे 3 प्लेट लगी हुई है, या आपने ऐसे बोल्टिंग वोल्टिंग कर दी, तीनों प्लेट की थिकनेस का जोड़, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, तीनों प्लेट को थिकनेस को ऐड करके जो आएगा, मतलब टोटल थिकनेस ऑफ ऑल द प्लेट्स इज कॉल्ड ग्रिप लेंथ। तो कोड ने कहा है कि भाई अगर ग्रिप लेंथ ज़्यादा हुई तो आप इसका भी एक रिडक्शन फैक्टर मानोगे, मतलब ग्रिप लेंथ ज़्यादा हुई तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ में कमी हो जाएगी, वो कितनी कम होगी, तो उसका फैक्टर उन्होंने बोल दिया कि बीटा एल जे ना, जैसे अभी ऊपर बात कर रहे थे ना इसकी लॉन्ग जॉइंट फैक्टर की, बीटा एल जे की बात कर रहे थे, तो लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी, रिडक्शन कम हो जाए, इस रिडक्शन हो जाएगा स्ट्रेंथ में, तो कितना रिडक्शन होगा, तो बीटा एल जे फैक्टर में उसको नाम दे दिया। सिमिलरली अब जो हम बात कर रहे हैं बीटा एल जी ग्रिप लेंथ फैक्टर, तो जब ज़्यादा प्लेट्स हो जाएंगी तो एक ओवर टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो सकता है, एक्स्ट्रा एसेंट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है, तो एक्स्ट्रा मोमेंट आ जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा मोमेंट हो, क्योंकि हमने वो अपने डिजाइन में काउंट नहीं करा है। तो आई स्पोर्ट कहता है कि अगर ये ग्रिप लेंथ 5D से छोटी है, मतलब इफ एल जी इज लेस देन 5D, 5D मतलब डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है, तो अगर ये ऐसा है कंडीशन देन ओके, तो बीटा एल जी को आप 1 ले लीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए फैक्टर। बट आई स्पोर्ट कहता है अगर ये 5D से बड़ा है, इफ एल जी इज ग्रेटर देन 5D, तो आपको एल जी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने VDSB में, बीटा एल जी इज इक्वल टू 8D/3+LG, गॉट इट, ये हो गया। थर्ड फैक्टर इज बीटा PKG, थर्ड रिडक्शन फैक्टर इज बीटा PKG, पैकिंग प्लेट का रिडक्शन फैक्टर। तो ये कैसे निकालना है, 1 माइनस 0.0125 × TPKG, TPKG मतलब थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। तो ये कह रहे हैं कि अगर पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से बड़ी, इसकी कंडीशन भी है, अगर ये 6 mm से बड़ी है तभी आप ये पीकेजी फैक्टर अप्लाई करोगे। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिए, एक आपकी ये होगी कवर, एक प्लेट आम की इतनी मोटी है, एक प्लेट आम की थोड़ी सी पतली है, थिकनेस कम है, ये आपने ऊपर से लगा दी कवर प्लेट, और नीचे से भी लगाना चाह रहे हो आप एक कवर प्लेट और, तो ये तो थिकनेस अच्छी है, ये थिकनेस कम हो गई, तो ये गैप यहाँ पे देख रहे हो, गैप, दिस इज द गैप। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम एक ऐसी प्लेट लगा देते हैं जिसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, बस उस गैप को फिल करता है, उस प्लेट को क्या नाम बोलते हैं, कवर प्लेट, सॉरी उसको बोलते हैं फिलर प्लेट। कवर प्लेट तो ऊपर की होगी ना, ऊपर की और नीचे की, दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट या पैकिंग प्लेट, जो हम अभी बात कर रहे हैं पैकिंग प्लेट, तो पैकिंग प्लेट या फिलर प्लेट। तो पैकिंग प्लेट की थिकनेस आपको नापनी पड़ेगी, कैसे नापोगे भाई, इस मोटी वाली प्लेट की थिकनेस आपको पता होगी, मान इसकी 18 mm है, और ये जो पतली वाली इसकी कितनी 10 mm है, तो 18 - 10 करोगे 8 हो गया, तो पैकिंग प्लेट की थिकनेस कितनी आएगी, 8 mm। तो कोड ने कहा अगर जो पैकिंग प्लेट की थिकनेस है ये 6 mm से ज़्यादा आती है, इफ इट इज़ लाइक दिस, तो आप बीटा PKG फैक्टर को आप इन्वॉल्व करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे। अगर ये थिकनेस 6 से कम आती है या 6 आती है, तो बीटा PKG को आप 1 ले लोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द डिजाइन।
तो इस तरह से ये जो एक बार फिर ऊपर चल लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये पूरा फॉर्मूला बनता है। तो ऐसा नहीं है फैक्टर आते ही आते हैं, इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तीन फैक्टर हो गए हमारे, रिडक्शन फैक्टर हमने अलग अलग पढ़ लिए, ये हमने देख लिया NNS का कॉन्सेप्ट, और ये तो आप क्वेश्चन में गिवन होगा स्ट्रेंथ रूट थ्री इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। फैक्टर सेफ्टी 1.25 आपको मल्टीप्लाई करना ही है, वो मैंने बता ही दिया आपको। ओके तो ये हो गया, तो शेयरिंग में स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इज द बियरिंग, तो बियरिंग का फॉर्मूला ऐसा टिपिकल नहीं है, बियरिंग का एक ही फॉर्मूला है VNPB, ठीक है, नेट नॉमिनल स्ट्रेंथ, ये नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ 2.5 कांस्टेंट है यहाँ पे, KB एक कांस्टेंट है, DT इंटू FU हमें पता है, T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, के भी एक कॉन्स्टेंट है, बोल्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्वाइस कोर्ट ने एक चार चीज़ें बोली हैं अकाउंट करने के लिए, उसने बोला है E/3D0 कॉमा P/3D0 -0.25 कॉमा FUB/FU कॉमा 1। FUB इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बी लिखा है ना, FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, बोल्ट की है, और नीचे लिखा है FU, इस फॉर्मूले में भी हमारे फॉर्मूले में लिखा है FU, FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन नॉर्मल स्टील मटेरियल, प्लेट की, गॉट इट। तो FUB थोड़ा कम ही होती है प्लेट से, FU बड़ा होगा FUB से। तो कोड ने बोला है कि E/3D0 भी निकालो, P/3D0 -0.25 भी निकालो, ठीक है, FUB/FUB कैलकुलेट करो, और 1 तो हाई कॉन्स्टेंट, ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करो, उसमें से मिनिमम जो आएगा वो आपको KB की वैल्यू लेनी है, देखा ना स्मॉलर ऑफ। अब ये E क्या है, D0 क्या है, P क्या है, देखो FUB बता दिया, FU बता दिया, स्मॉल P इज द पिच, नीचे लिखा है यहाँ पर, देखो पिच, स्मॉल P इज द पिच, स्मॉल E इज द एज डिस्टेंस, गॉट इट, एज डिस्टेंस कितना लेते हैं 1.5D0 रोल्ड एजेस के लिए, और एक और यहाँ पर लिखा नहीं है 1.7D0 भी लेते हैं आपकी शार्प एजेस के लिए, ठीक है ना, और रोल्ड एजेस हैं प्लेट की तो 1.5 और शार्प एजेस हैं तो 1.7। ई पिच मैंने बता दिया मिनिमम 2.5 ऑफ डी, यहाँ डी नॉट है, यहाँ डी कन्फ्यूज नहीं करना है, एज डिस्टेंस में डी नॉट होता है, पिच में डी होता है, डी नॉट होल का डायमीटर होता है, और डी क्या होता है, बोल्ट का डायमीटर, डी नॉट डी से बड़ा होता है, ठीक है, जब आप इसमें क्लियरेंस ऐड कर देते हो। FUB 400 और FU 410, ठीक है, ये सब करके जो आता है आपका, ये आती है बेयरिंग स्ट्रेंथ। और एक और चीज़ द पॉइंट विच इज नोटेड, मैं स्टार कर देता हूँ यहाँ पर, स्टार कर रहा हूँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसमें गलती करते हैं एग्जामिनेशन में। टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, तो बता दिया मैंने, टी हमें पता ही है, बट ब्रैकेट में लिखा है थिनर प्लेट, अगर दो तीन प्लेटें यूज करी हैं तो सबसे थिन प्लेट की थिकनेस ही होगी, बड़ी प्लेट की थिकनेस नहीं होगी। मतलब एग्जाम्पल के लिए एक प्लेट ये है, इसको आपने जोड़ा है दूसरी प्लेट से, ये प्लेट है आपकी 18 mm की, नीचे वाली प्लेट है आपकी 16 mm की, तो यहाँ पर जो टी आएगा वो 16 आएगा, एक तो ये क्लियर हो गया आपको। सेकंड केस बताता हूँ आपको, जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, एक ये हो गई कवर प्लेट, सॉरी ये हो गया आपकी मेन बट ज्वाइंट बता रहा हूँ, ये हो गया आपकी दो मेन प्लेट, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है लिटिल बिट, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये, आई एम ट्राइंग टू पिक दिस पेंसिल, ओके कोई इशू हो गया इसमें। तो कहने का मतलब ये कि दो अगर आपने बट ज्वाइंट आपने यूज़ किया हुआ है, एक बट ज्वाइंट होता है आपका, फिर एक प्लेट आपकी सेम लेवल पे लगी हुई होती है, तो आपने इसमें दो कवर प्लेट यूज़ करी है, टॉप में और बॉटम में, लेट सपोज, तो उन प्लेट की थिकनेस आपने लिख दी अलग कॉपी पे, और कवर प्लेट की थिकनेस सम करके लिखनी है, समझ में आ रहा है, सम करके मीन्स, विल ट्राई अगेन,
पिक दिस तो आपको आपको उसको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो कवर पेट की थिकनेस ऐड करके, जैसे मान लो कवर पेट आपने ऊपर भी यूज़ करी 6 mm, भी नीचे भी 6 mm की यूज़ करिए, तो 6 + 6 12 हो गया। और मेन मेन प्लेट आपने जो बीच में यूज़ करी है मेन प्लेट, दैट इज़ ऑफ लेट अस सपोज 16 mm 18 mm, तो 18 और 12 में से आप चुनोगे, सेलेक्ट करोगे अपनी थिनर प्लेट को, दैट विल बी 12। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देख लिया बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेंथ देख ली, बेयरिंग स्ट्रेंथ देख ली बोल्ट की। तो इसमें से जो कम होती है हम वो लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, क्योंकि मान लो शेयरिंग में स्ट्रेंथ है 100, बेयरिंग में स्ट्रेंथ है आपकी 150, तो बोल्ट तो पहले शेयर में फेल हो जाएगा, है ना। लेट सपोज आपकी शेयरिंग में स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन और बेयरिंग में स्ट्रेंथ है आपकी 150 किलो न्यूटन, तो लोड जो भी लगा तो 100 आप शेयरिंग में बोल्ट पहले फेल कर गया, बेयरिंग में वो रहा भी तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। तो जो कम वाली स्ट्रेंथ होती है वो लेते हैं डिज़ाइन पर्पस के लिए। तो कम वाली में के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ के हिसाब से तो ऑलरेडी सेफ होगा ही होगा। तो जो शेयरिंग और बेयरिंग में से बोल्ट की स्ट्रेंथ आती है उसमें से हम जो लेसर वाली होती है वो ले लेते हैं अपनी बोल्ट वैल्यू या रिवेट वैल्यू, उसको हम गिवन लोड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है आपका नंबर ऑफ बोल्ट। फाइन, तो हमने ये थोड़ा सा फेलियर ऑफ बोल्ट देख लिए, बोल्ट डिज़ाइन देख लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बोल्ट्स के क्लासिफिकेशंस वगैरह देख लिया। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर थर्ड। इन फोर्थ लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी न्यूमेरिकल, ओके, वी विल सी दी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द बोल्ट डिज़ाइन, देन वी विल मूव टू हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोर्ड, अनदर टाइप ऑफ बोर्ड, एंड देन वील मूव टू वेल्डिंग, उसके बाद हम वेल्डिंग डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो आई होप वील कवर विद दिस वीक अप टिल वेल्डिंग, वो एटलीस्ट ये कनेक्शन ख़त्म हो जाए आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।